सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मेरी आर्ट की जर्नी कैसे रही। सो मैंने स्टार्ट किया था लगभग थर्ड से ही, थोड़ी बहुत ड्राइंग का मैंने शुरू किया था। जो जो मैं अभी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बना रहा हूँ, मैंने फोर्थ से स्टार्ट किया अच्छी ड्राइंग्स बनाना। तो यहाँ पर हमारे दादाजी है जिनका नाम है श्री अर्जुन नामदेव तांडे। तो वीडियो बनाने का आपको कभी लगा कि ऐसा वीडियो बनाना चाहिए? सो मतलब मैं तो सिर्फ ऐसे ही वीडियो बनाता था, मेरा कोई चैनल नहीं था, सिर्फ ऐसे ही मैं बनाता था। जैसे भी मतलब हम बनाते हैं ना, सिर्फ गैलरी में। और आपको और बनाने का भी कभी शुरू हो गया? और ड्राइंग का आपको जो पेंसिल नया नया लाया कैमरिंग कंपनी का, वो कितने कीमत का है? तो एक जो मैंने ड्राइंग जो है वो शुरू किया था कि जब मैं करीबन लॉकडाउन हुआ, फिर मैं थर्ड में था तब, और तब मेरी एग्जाम्स होने वाली थी कुछ एक मराठी की। तो मैं भगवान को बोल रहा था कि ये कैसे भी ये एग्ज़ाम छोड़ दो, क्योंकि मैंने उस वक्त कुछ पढ़ाई नहीं किया था और करीबन दो तीन दिन थे और बहुत था, और तभी लॉकडाउन शुरू हुआ और हम बहुत मज़ा कर रहे थे। और तब मुझे सोचा कि हम ड्राइंग भी कर सकते हैं। मतलब तब पहले मुझे बनना था इंडियन आर्मी में जाना था, मुझे सोल्जर बनना था। फिर मैं वैसे ही ऐसे घर में ऐसे कुछ करता था। फिर मैंने एक बार एक मैजिक का वीडियो देखा, तो मैंने सोचा कि मुझे भी मैजिक करना चाहिए। तो मैजिक चुन गया, लेकिन पहला क्या है आपका, अभी ऐसी उम्र है, इस उम्र में आपको पहली पढ़ाई करना चाहिए। अभी पढ़ाई अच्छा करने के बाद, ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने के बाद आपको जो करियर है वो करियर आप कर सकते हैं दूसरा कोई सा भी क्षेत्र, जैसे कि ड्राइंग हो, इंडियन आर्मी हो, कहाँ भी जाना है वो जा सकते हैं। तो मतलब मैं मैजिक के था, तो मैंने कुछ मैजिक के वीडियोस देखे, फिर मैंने अच्छे से मैं सीखा, थोड़ा बहुत देखा, कुछ मैंने ट्राई किया तो अच्छा हुआ। फिर मुझे एक ड्राइंग दिखी यूट्यूब पर, मैं ऐसे ही रीलोड ऐसे कर रहा था, तो एक ड्राइंग दिखी मुझे, तो मैंने बोला कि ये ड्राइंग अगर बनाएंगे तो मुझे बहुत बढ़िया लगी। तो मैंने सोचा इस ड्राइंग को बनाते हैं। सो मैंने उस ड्राइंग को अच्छे से बनाया और तब मुझे प्राइज मिला। नहीं, वो वाली कॉम्पिटिशन में भेजा था वो अलग, लेकिन फर्स्ट ड्राइंग मेरी थी सनी देओल की। और तब मुझे कुछ भी ड्राइंग का ए टू जेड में कुछ भी नहीं आता था, और मैं एकदम बहुत कम था ड्राइंग में, बस स्कूल का थोड़ा बहुत करता था, उसमें भी टेढ़े टेढ़े शेप्स आते थे। फिर जब मैंने कुछ वो बनाया तो अच्छा बना, और तब मुझे बिल्कुल भी शेडिंग नहीं आती थी, तब मेरे पास कोई भी पेंसिल नहीं थी। वो जो सब आज मैंने एक वीडियो बना था जिस पर मैंने बोला अबाउट शेडिंग की, वो भी मेरे भाई की पेंसिल से। वो भी एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, वो मेरे से भी अच्छी ड्राइंग्स बनाता है और अच्छी बनाता है, और मतलब अच्छी बनाता है वो। सो मैंने सोचा कि मैंने ऐसा बनाया अच्छा मैंने, सो वो मैं बार बार ऐसे कुछ बनाता रहा। जैसे मैंने फर्स्ट की मेरी अच्छी ड्राइंग सनी देओल की, फिर मैंने बनाई जो जो मुझे याद आ रही वो मैं बताता हूँ। सनी देओल सलवार डाली, मतलब आपको ड्राइंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, आप बहुत अच्छे ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई इज द फर्स्ट प्रेफरेंस है। बाद में आपको जो करियर करना है ड्राइंग में करो या और कहीं करो, और डांसिंग में करो, कभी कौन सा भी करियर करना है उसके लिए उम्र है बाद में, लेकिन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहिए? मेरे ख्याल से फर्स्ट पढ़ाई देखना चाहिए।